ये नहीं होता है। आप बोलेगा मैं ग्रेजुएशन किया हुआ हूँ और मैं बेरोजगार हूँ, ये कभी नहीं होता है। आप काम करना नहीं चाहते हैं, बेरोजगारी क्या है, काम तो बहुत मिल रहा है, आप काम करना चाहिए। जय श्री राम नहीं चाहते। अब वो दीदी से ही पूछिए, वो बांग्लादेश से आई है, बांग्लादेश भेज दीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग, यही है ना, तो स्टेट से पैसा नहीं आएगा तो होगा क्या? कोई पार्टी से मतलब नहीं है हमको, कोई पार्टी हो, कोई भी कोई पार्टी कर रहा है, ठीक है, कोई भी आएगा नहीं, देखिए कोई भी, देखिए ये भाई कोई पार्टी कर रहे माता नहीं, हम कौन पार्टी। पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, किसका सरकार बनेगा? मोदी का सरकार बनेगा, यहाँ पे ममता का बनेगा, ममता मोदी बनेगा, मोदी ममता ममता चोटी ने विकास होगा। बीजेपी खाली धर्म पे लड़ाई करवा रही है, हिंदू और मुस्लिम, यहाँ का जो हम लोग हिंदू लोग हैं, जो हिंदू दीदी भी तो जय श्री राम नारा के लिए तो आपत्ति चल रही है। बताइए अगर जय श्री राम बोल देने से अगर दीदी को क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनको पसंद नहीं है, एक गलत काम कर रही है, किसी भी गलत काम कर रही है, धर्म का कोई भी सामान कर सकता है। बीजेपी जो कर रही है, धर्म हो चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी इसको सम्मान करता है ना। मान लीजिए उस दिन एक छोटा बच्चा लोग जय श्री राम बोल दिया, तो उनको उतर के उन लोगों से बोलना चाहिए आओ भाग क्यों रहे हो, आओ मेरे साथ भी, हम भी बोल रहे हैं जय श्री राम, लेकिन उसको बोले मैं गाला गाली दीछो, तो गलत बात है। बेइज्जती किया, हमारा अपमान किया, तो जय श्री राम से अपमान होता है उनका उतना। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये नॉलेज हम, इनकम नहीं हो रहा। हम लोग मिल फैक्ट्री बंद है, दीदी का सपोर्टर है, दीदी को जिताएंगे, आज दीदी जीतेगी तीसरी बार, तृणमूल सरकार कोई बात तीसरी बार, तृणमूल सरकार जीते, अच्छी बात है, लेकिन करे वो जीते, लेकिन जीते वो तो काम तो करे, अमित शाह काम तो करे, जो भी खेल ले, जितना भी दाव पेच खेल ले, यहाँ पे दीदी का सरकार आने वाला है और हम लोग ले आएंगे, लड़ के जीत के मर के काट के जो होगा, लेकिन हम लोग दीदी का सरकार ले आएंगे। रुको जरा, सबर करो भाई, हिंदू है हम भी हिंदू है, तो इसमें लड़ाई नहीं है, ये टीएमसी करते हैं, हम बीजेपी करते हैं, इसमें लड़ाई नहीं है, ठीक है, ये लड़ाई नहीं होता है। नहीं, जो हिंदू मुस्लिम आप बोल रहे हैं कि बीजेपी कर रहा है, लेकिन जो फिरहाद हाकिम है उनका एक स्टेटमेंट था कि मिनी पाकिस्तान कोलकाता को बनाएंगे, सुना होगा है ना, कल्याण बंदोपाध्याय का बयान आया है कि श्री राम भक्त बलात्कारी होते हैं, तो ये कौन कर रहा है? तो बोलने से क्या हुआ, बोलने से क्या, दीदी बोल रही कि हम इसको लंदन बना देंगे, ओके अब बना दी, नहीं बनाने पाई तो नहीं ना हुआ है। ये कैसे आदमी तूने पाल रखे हैं तेजा, साले 10-10 हजार का सूट पहनते हैं और अक्ल 10 पैसे की भी नहीं है, अगर ज्यादा दिन इनके साथ रहा ना तो कोई तेरा ही पत्ता बिछा देगा। बंगाल का हम एक बात बोलना चाह रहे हैं, बंगाल इतना चुतिया जिनिस है, जिसका खाएगा उसी का थाली में छेद करेगा। जय श्री राम बोलते हैं तो दीदी बोलती है कि हमको चढ़ाने के लिए जय श्री राम बोलते हैं, क्या बोल? देखिए हम लोग हिंदू है और भगवान राम हम लोग का पूज्य देवता है, तो देवता के मामले में अगर बुरा लगता है किसी को, अगर वो हम लोग का मतलब सीएम हो बा कोई भी हो, मेरे घर का बुजुर्ग हो बा कोई मेरा रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, जो भी हो, मैं तो बोलूंगा, मैं फकर से बोलूंगा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गुस्सा आता है, क्या कारण है दीदी को? ओ दीदी का प्रॉब्लम है, दीदी को गुस्सा आता है, दीदी को प्रॉब्लम है, इसीलिए दीदी अगर चाहे तो वेस्ट बंगाल छोड़ के आप जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग बहुत खुश है क्योंकि भगवान का नाम लेना हम लोग को अच्छा लगता है, हम लोग हिंदू का बाल बच्चा है और हम लोग का भगवान के नाम लेना बहुत अच्छा लगता है, जैसे श्री राम है साथ में सीता मैया है, लक्ष्मण जी है हम लोग का, और साथ में रावण भी है, मतलब हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग का सीएम है, साथ में रावण भी है, मतलब हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग का सीएम है। हर पार्टी अपना जोर लगाया हुआ है, बहुत प्रांत में इलेक्शन है, लेकिन उस प्रांत में आदमी जा नहीं रहा है, सारा जोर आदमी बंगाली में लगाया हुआ है, सारा जोर बंगाल में लगा हुआ, प्रधानमंत्री से लेकर और आपको जो बीजेपी का अध्यक्ष हैं वो सब इधर ही का दौरा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? दीदी को जाना है। क्या नाम है दादा? आपने तो मास्क भी दीदी वाला लगा रखा। हाँ, हम लोग दीदी का आदमी है। What? Are you comedy me?
चुके हैं इसमें से। आप लोग, आपका नाम क्या है? हमारा नाम माइनुल हक है। अच्छा हक साहब, आप क्या करते हैं? हमको खेती बाड़ी है, जमीन है। दादा आपको नहीं लगता है कि जय श्री राम के नारे से ममता दीदी क्यों गुस्सा जाती है? हम स्टूडेंट लीडर भी करता था स्टूडेंट लाइफ में, तो हम स्टेशन से करीब 100 से ज्यादा आदमी जो नॉन बंगाल स्टूडेंट था हमको प्यार से बोलता था मनोदा जय राम जी, कोई बोलता है मनोदा जय श्री राम, मनोदा बोल राम राम जी, तो हमको कभी तो मुस्लिम होने को नाते भी जय श्री राम नारा से हमको कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन अभी ये जय श्री राम नारा एक पॉलिटिकल नारा मुद्दा बन गया, और जो लोग ये नारा लगा रहा है उसका खिलाफ में जो है वो नारा सुनने के बाद मेरा माननीय मुख्यमंत्री बंगाल का वो गाड़ी कन्वॉय से उतार के झांप दे रहा है। हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को पास, जब वो प्लेन में सफर करती तब ऐसा कोई बात ना उठाए प्लेन का ऊपर चलते चलते जय श्री राम, तो हाल क्या होगा पश्चिम बंगाल का 10 करोड़ से ज्यादा आदमी का भविष्य क्या होगा। दीदी भी नहीं आएगा, मोदी भी नहीं आएगा, यहाँ पर कांग्रेस बाम का जोट खमता में आएगा। कांग्रेस बाम का जोट, चलिए कम से कम एक आदमी मिले मुझे पूरे हुगली में जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं अब तक। सॉरी। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।